वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों रात हमने भाई की वीडियो बनाई और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर शो भी हो चुकी है। ठीक है, काबली कबूतर काफी पुरानी नस्लों में से, जितना साल जोड़ दो उतनी पुरानी नस्लों में, क्योंकि हमने बहुत से उस्ताद से सुना है कि ये प्योर काबली हैं, इनकी ये चीज़ें और ये अब की नस्लें नहीं है, ये बहुत पुरानी 500 साल पता नहीं कितना गिना देते हैं वो, तो हमने वाली के डाल दिया 300 साल पुरानी नस्ल। ठीक है भाई के पास देखो, हम आए हैं यहाँ और हमारा मकसद ये रहता है हम जिसकी छत पर जाएँ उसे थोड़ी बहुत नॉलेज दें, जानकारी दें, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पर खराब हो रहा है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, और एक कबूतर की तलाश थी हमें, कलसरा मद्रासी, जिसकी तलाश थी वो जिस भाई के पास था उसने आगे सेल कर दिया, उसकी फोटो यहाँ शो होती है वीडियो में। टॉप हाई क्वालिटी का है ये, मुस्तफाबाद दिल्ली मुस्तफाबाद बंदे का है, वो मेरे को मिलने आया था भाई, मैंने उन्हें दिखाया भाई ये कबूतर कहाँ मिलेगा इस नस्ल का, तो भाई कह रहा ये तो मैंने खुद 30,000 का बेच डाला, क्यों इसके बच्चे भाग रहे थे। कसम से जिस तरह की ये क्वालिटी है भाई, कमेंट जरूर करें देख के, जो कबूतर दिख रहा है कमेंट करें किस मतलब कितनी हाई क्वालिटी का कबूतर है ये। ठीक है, क्योंकि जोड़ा सही ना लगने की वजह से बच्चे भाग रहे थे। ठीक है, अगर उसका जोड़ा सही लगा होता तो बच्चा ना भागता जिस क्वालिटी का जोड़ा। ठीक है, तो हम भाई के पास आए हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भाई ने भी जाना है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, तो टाइम पे इन्होंने भी पूछना है। ठीक है, प्रो में हमें क्या देखना चाहिए दोस्तों, चौड़े पर। ठीक है, मैं नज़दीक आके दिखा रहा हूँ, ये चौड़े पर है, ये देखें काफ़ी चौड़े पर हैं इसके, ये देखें ऊपर तक चौड़े पर है ये नारा, हाई क्वालिटी का ये। ठीक है जी, और मादिन इसकी ये पंजाबन कबूतरी है। ठीक है जी, बारीक परोगी है, नर के मुकाबले बारीक परोगी है ये, भाई का जोड़ा सेट है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, नर का तिला थोड़ा मोटा है, लंबी बाजू का, ये भी लंबी बाजू की है, मगर मादिन के पर बारीक है, बारीक होने की वजह से ये बच्चे की बाजू है, ये भी पास दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें बहुत ही हाई क्वालिटी की है। ठीक है, बाप पर चली गई मगर तिले इसके बारीक रह गए, परों की चौड़ाई आ गई, परों की चौड़ाई बाप पे चली गई मगर तिले माँ पे लेके आ गया बारीक वाले, तो इसके अंदर क्वालिटी है भाई, यही चीज़ देख के हमने जोड़ा लगाना होता है। देखो आँख भी इसकी बढ़िया है और उड़ान भी भाई बता रहे हैं बहुत बढ़िया उड़ान का है ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई ने पर का प्रो सही करा लिया, मगर जानकारी ना होने की वजह से बहुत से भाइयों को उसमें क्या होता है, तो ये हम अंदर छोड़ लेते हैं। ये सब पड़ गया, ये नहीं सब वाइट आले तो दोस्तों भी देखो बंदे गलती कहां कर जाते हैं, इस तरह दिखाओ, वजूद दिख रहा है, नर का वजूद बड़ा है, मादीन का छोटा है। ठीक है, अब इसकी बाजू खोलो, परली वाली खोलो, दोस्तों पर देख रहे हो आप, मादिन की बाजू बहुत छोटी है, नर की पर देखो वजूद कहाँ जा रही है, अगर मैं इसे यहाँ रखूँ ऊपर से 1 इंच यहाँ से छोटी हो गई और 1 इंच की गोलाई घूम गई पूरी खत्म, बारीकी से बहुत समझा रहा हूँ मैं, अभी तक किसी ने ऐसी वीडियो नहीं डाली हुई यूट्यूब पर। ठीक है, तो भाई की कॉल आ रही है यार, भाई ने अर्जेंट जाना है, क्लासेज लग रही है, तो मैं जल्दी वीडियो खत्म करता हूँ, वही बाजू खोलो भाई दोबारा से, क्योंकि अब ये समझाने का मतलब ये भाइयों को भी समझ में आ जाए हमने क्या करना है। बाजू बहुत छोटी है मादिन की, देखो यही रख के दिखा रहा हूँ पूरा, 1 इंच इधर उधर तो नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसके साथ इतनी छोटी बाजू कभी नहीं डालनी, कभी नहीं, क्यों, ये साइज भी और छोटा हो जाएगा, सिर्फ पर देखने भाई, पर देखने हमने कि नर के अगर चौड़े पर हैं तो बारीक पर की मादिन डालनी, सेम पर मत डाल देना, तिला मोटा हो जाएगा तो उड़ान कम हो जाएगी, तो इसे अंदर छोड़ दें, नर और दिखा दूँ इसके साथ, देखो यहाँ
दिल्ली नहीं, ऑल इंडिया में क्या चल रहा है और ऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जिन्हें पर्व की जानकारी नहीं है। वैसे बहुत बहुत बड़े बड़े उस्ताद पर्व की जानकारी देते हैं, ठीक है भाई। इसकी बाजू खोलो, नीचे को ऐसे दिखाओ भाई, देखो दोनों की बाजू सेम है, सेम है। इनका जोड़ा भी अच्छा बैठ रहा है, मैंने दिखाया था जोड़ा, अच्छा जोड़ा इनका अच्छा बैठ रहा है। सेम पर होना, सेम पर होने से क्या होगा, इनके बच्चे बाजू छोटी कर जाएंगे, उड़ान तो देंगे, उड़ान कम हो जाएगी। अगर ये 6 घंटे उड़ रहे हो, 5 या 4 घंटे में आ जाएंगे, ये नहीं कि नहीं उड़े, सियान पूरी देंगे, ठीक है। ये देखें फिर क्या होगा, नुकसा तेज लगने की वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाजू छोटी थी, कितनी छोटी है ये बोलना। ये नर इसीलिए रोका ताकि मैं दिखा दूँ, ये मादिन है, इस मादिन को पहले इस नर के साथ दिखाया था। अब ये देखो सेम आ गई भाई, सेम आ गई भैया, ठीक है। अब ये नर है, बोलो इसकी बाजू, यहाँ छोटी बाजू। एक हम जोड़ परों का गलत लगाने की वजह से हम इनका साइज छोटा खुद करते हैं। लोग बात कहते हैं छोटे छोटे करते मद्रासी बड़े उड़े हैं, बड़े लंबे तेज चले, वो हम खुद छोटे करते हैं भाई, ठीक है। अगर इसी के साथ इतनी लंबी मादिन डाल दो तो इसमें आधा इंच बढ़ेगा बच्चों का, फिर उस आधे इंच को जो बड़ा उसके इसके साथ डाल दो, लंबाई वहीं आ जाएगी। बहुत सारी वीडियो डाल रखी मैंने, तो दोस्तों प्लीज़ पर का क्रॉस कराना बहुत जरूरी है। सेम पर छोटे ऐसे कभी मत डालना, क्या भाई एक बार खोल दो ऐसे करके दिखा दो, ऐसे पर का जोड़ कभी मत डालना, ये यही टाइटल रहेगा वीडियो का, ये पर कभी मत डालना, ठीक है। नस्ल बेकार कर दोगे, बहुत ही हाई क्वालिटी की आंखें, मेहरून और पीला रिंग इनकी आंखों के अंदर, मादिन के भी बहुत अच्छा है, मगर जोड़ा 100% भी लग रहा है इनमें, अच्छा बैठ रहा है, पर होगी ऐसी की तैसी फिर जाएगी, क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो भाई से कहना चाहूँगा शौक में 1-2 बच्चे लेने ले लो, कोई बात नहीं, मगर इनके साथ नर के साथ मादिन ले आओ लंबी बाजू की, और इसके साथ मादिन ले आओ, तो इनका जोड़ा 100% अच्छी क्वालिटी का, उड़ान भी बढ़ेगी, टाइमिंग बढ़ेगी बच्चे की, ठीक है। तो 100% फीसदी वापसी भी होगी। तो हमारा समझाना यहाँ आना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों, क्योंकि हमारे भाई ने निकलना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है दोस्तों।